जय सियाराम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पृथ्वी माता पर पैर रखते ही 3 बार आपको ऐसा बोलना है कि आपके पूरे दिन में होगा चमत्कार। अर्थात आप जब भी बिस्तर छोड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका दिन बहुत अच्छा रहे, वह आपके हर कार्य सफल हो। तो भक्तों, आपको इसके लिए एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो लगातार चलती रहे और आपके बच्चों में, आपकी पीढ़ी में उभर के बाहर आए। बहुत अच्छा संस्कार है एक तरह का, कि आजकल की पीढ़ी ऐसी चीज़ें भूल चुकी है। और हमारा कार्य यही है कि जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों ने जो संस्कार दिए वो आगे तक चले। तो भक्तों, वो क्या चीज़ है कि आपको सुबह उठते ही करना है, वो ये है कि जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कभी भी उठते हैं, वैसे जब भी उठते हैं, तो आप उठें और जैसे ही बिस्तर पर ज़मीन पे पांव रखते, तो ज़मीन में पांव ना रखते हुए आप अपने दोनों हाथ यानी सीधे हाथ का एक अंगूठा लीजिए। पहले अंगूठे को स्पर्श होना चाहिए पृथ्वी पर, फिर उसे पढ़ना, फिर अंगूठा स्पर्श करके यानी उसको प्रणाम करते हुए आप ऐसी कामना, उसको अंगूठे को स्पर्श करते हुए आप ऐसी कामना कीजिए कि हे माँ धरती, आप हमारी जगत जननी हो, मैं आपको सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूँ। पूरे दिन में जो भी मेरे साथ जो कार्य करूँगा मैं, आप उसे आपके हृदय से आशीर्वाद दे और उनको सफल करें। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हे माँ धरती, आप जगत जननी हो, कृपा करें आप ऐसा कीजिए और आप मेरे पूरे दिन को अच्छा बनाएं। आज मेरे दिन में सफलता की राह खुल जाए, बिगड़े काम बन जाए, ऐसी आप कामना कीजिए। तो आप क्या कीजिए, धरती पर हाथ रखते हुए फिर हाथ को उठाएंगे और जिस अंगूठे को आपने लगा रखा था उसको अपने आज्ञ चक्र पर लगाए और ऐसी कामना, ये क्रिया लगभग 2 से 3 बार जरूर करें। 3 बार जरूर कीजिए ताकि आप पृथ्वी माता को धन्यवाद दे सके कि आप हमें इस धरती पर एक इतनी अच्छा स्वच्छ वातावरण दिया है, इतनी अच्छी जगह दी है हमको रहने के लिए, तो उसको आप धन्यवाद दीजिए। तो आपके देखो धीरे धीरे कैसे आपके बिगड़े कार्य बनेंगे, तो आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो मेरा पहले ही कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कोई भी कुछ भी करेंगे तो उसका लाभ 100 गुना बढ़ जाएगा और वो बहुत ही उत्तम कहलाएगी चीज़। तो भक्तों, आप ऐसा निश्चिंत करिए और अपने बच्चों को, आपके जितने भी परिवार में सदस्य, उनको भी बताइए ताकि जो भारतीय संस्कृति है अपने संस्कारों से बहुत दूर जाती रह रही है, पश्चिमी सभ्यता अपनाई जा रही है। तो कृपा कीजिए, आपकी संस्कृति आपकी जननी है, उसे बचाए रखिए। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सियाराम आपका सहयोगी चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम भक्तों।